एक लड़की का बच्चा मर गया, मैं तमन्ना सुरेश जाधव, मेरा गांव अंचाले ताड़ा जिला धूलिया महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा है। मैं तमन्ना सुरेश जाधव, मेरा गांव आंचले ताड़ा जिला धूलिया महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। धूलिया महाराष्ट्र से मैं नमन करती हूँ गुरुदेव। मैं क्या वर्णन करूँ, मेरा बेटा तारीख 28 दिसंबर 2020 को सोमवार को हुआ। मैं बाबा का इतना भजन करती हूँ गुरुदेव, मैं शंकर जी का इतना गुणगान करती हूँ, शिव की भक्ति करती हूँ, शिव की आराधना में रहती हूँ। मेरा बेटा हुआ लेकिन जन्म से वो रोया नहीं, इसलिए 4 दिन के बाद 31 दिसंबर को 2020 को मेरा बेटा मर गया। जब मेरा बेटा मर गया, मैंने रोते रोते अपने बेटे को, जब मरे हुए बेटे को दिया गाड़ने के लिए, बस इतना कहा कि कंकर में शंकर है, मेरा बेटा भले जमीन में जाएगा पर मेरा विश्वास, मेरा महादेव मुझे वापिस देगा। गुरुदेव 31 दिसंबर 2020 को मेरे बेटे को लेकर गए, छोटा सा बच्चा 4 दिन का मर गया। खड्डा खोदने लगे, मैं भी पलंग पर पड़ी पड़ी उसको याद कर रही थी, मेरे बाबा को रो तो रही थी पर बाबा को याद कर रही। जैसे ही खड्डा खोदा, खड्डे को खोदते ही आधा खड्डा खुदा और उसमें एक बड़ा सा सांप निकल गया। सांप निकला, जितने लोग खड्डा खोद रहे थे वहां से भागे। भागते ही थोड़ी देर बाद सांप वहां से चला गया। सांप गया, उस खड्डे में बेटे को दबाया, मिट्टी डाली, आए। शाम को वही सांप मेरे घर पर था। गुरुदेव क्या करते, कंकर में शंकर जाना है, दिखा पकड़ने वाले को, बुलाया वापिस भेजा और सांप चले गया। पर बाबा से प्रार्थना करती रही, मेरा बेटा गया है, मेरा बेटा। जब वो मरे वाले स्थान से सांप यहां तक आ सकता है तो क्या मेरा बेटा नहीं आ सकता? बाबा मेरे बेटे को जरूर देना। 19 जनवरी 2022 को फिर मेरे यहाँ बेटे ने जन्म ले लिया, मेरा बेटा वापिस आ गया। मैं दोनों बेटे का फोटो लगा रही हूँ, जो मरा उसका भी और जो मेरे बाबा ने दिया उसका भी फोटो लगा रही हूँ। मेरा बाबा जो पुत्र मुझे वापिस दे दिया उसका भी मैं फोटो लगा रही हूँ। ये शिव तत्पुर जो मरा उसका भी लगा, वो घड़ी है वो।